वही हल्द्वानी में उद्योग मित्रों की मीटिंग हुई। मीटिंग मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उद्यमियों ने सुझाव दिया कि समय समय पर बैठक का आयोजन किया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। इसके अलावा बैठक में सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा भी उठा। मूलभूत सुविधाओं के इस मुद्दे को अब इंडस्ट्री के हिसाब से प्राथमिकता पर लिया जा रहा है कि कहाँ किस तरह का समाधान हो सकता है। होटल कारोबारियों ने भी बैठक में होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े मुद्दे उठाए, जिसको देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने खासकर मुक्तेश्वर क्षेत्र के SDM को सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि छोटे छोटे उद्यमियों के लिए जिला उद्योग केंद्र की तरफ से छोटे छोटे फोरम उपलब्ध हैं, जिस पर वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उद्योग मित्र की बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है, तो इनकी डिमांड है कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा यह है कि इनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क का, तो इनको जो इंडस्ट्री वाइज देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तीसरा, होटल इंडस्ट्री ने कुछ अपने मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि होटल का विस्तार हो रहा है, तो उसके लिए भी संबंधित उपजिलाधिकारी को एक बार मुक्तेश्वर क्षेत्र में विशेषकर सर्वे करने के लिए बोला गया है कि वहाँ पे सर्वे करके बताए कि क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए, इस तरह का इन जनरल तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, कोई इंडिविजुअल समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। वैसे जहाँ तक छोटे व्यापारियों का प्रश्न है, तो काफ़ी सारे के फोरम्स हमारे बने हुए हैं जिसपे अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जैसे हमने अभी एक डिसीजन लिया है कि उद्योग बंद की मीटिंग हमेशा हर महीने होगी, तो इन सब मुद्दों का जो इस तरह की समस्याएं आती हैं छोटी मोटी, उसका समाधान हो जाएगा।